हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 42 से लेके और 56 तक। ये एमसीक्यू हैं जो कि हमारे जुडिशियल और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि लॉ से रिलेटेड है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हम सिर्फ इनकी एमसीक्यू को ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनेगी, ठीक है? तो वो सब हम देखेंगे कि ये सेक्शंस जो है इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा गलत है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 42 जो है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ एविडेंस एक्ट, फैक्ट शोइंग सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस इन्वॉल्विंग द सेम पर्संस आर रेलिवेंट। कि वो कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन 15 क्या कह रहा है एविडेंस एक्ट का, कि फैक्ट जो है वो ये शो कर रहे हैं सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, जिसके अंदर एक ही तरह की अकरेंस हो रही है, इन्वॉल्विंग दी सेम पर्सन, एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो रेलिवेंट होंगे। कब रेलिवेंट होंगे, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। कौन कौन सा ऑप्शन दिया है हमें? पहला ऑप्शन है व्हेन इट इज़ अनसर्टेन वेदर द एक्ट इज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। बी है व्हेन इट इज सर्टेन दैट द एक्ट इज विद गिल्टी नॉलेज। सी है व्हेन इट इज सर्टेन दैट द फैक्ट इज डन इनोसेंटली। और डी है आइदर बी और सी। तो इसके अंदर से हमारा कौन सा आंसर आएगा? इसमें हमारा आंसर आएगा ए, ठीक है? अब 43 में क्या कह रहा है, एडमिशन हैज़ बीन डिफाइंड एज स्टेटमेंट। कि एडमिशन क्या, एक स्टेटमेंट है मेड बाय ए पार्टी, एक पार्टी ने एक स्टेटमेंट दी है, वो एडमिशन है। और एनी पर्सन या किसी पर्सन ने कनेक्टेड विद दी हिम, जो कि उससे रिलेटेड है, सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस, जो क्या सजेस्ट कर रही है, कोई कंक्लूजन या कोई मीनिंग निकाल रही है एज टू ए फैक्ट, फैक्ट के बारे में, जो कि फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट है फैक्ट, ठीक है ना, अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो एडमिशन है वो कहाँ डिफाइन की गई है, डेफिनेशन सेक्शन 16 में, 17 में, 18 में या 19 में, तो ये आपको बतानी है। ये हमारी कहाँ पर डिफाइन की गई है, सेक्शन 17 के अंदर एडमिशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है आपको एविडेंस एक्ट के। सेक्शन 40 कहता है एडमिशन क्या है, एडमिशन क्या होता है कि एडमिशन मस्ट बी एक्सप्लेन एज होल नोट इन पार्ट, की जब आपके पास एडमिट करोगे तो वो पूरी की पूरी एडमिट करनी है, पार्ट में नहीं करनी। कैन बी एग्जामिन पार्ट, क्या उसको पार्ट में एग्जामिन किया जा सकता है। कैन बी एग्जामिन एज ए होल और इन पार्ट, या तो एग्जामिन उसको होल एज ए होल कर लो या पार्ट में कर लो, या बोथ बी सी आर करेक्ट। तो इसका कौन सा आंसर ठीक होगा हमारा, इसका आंसर हमारा ठीक होगा ए, कि एडमिशन मस्ट बी एग्जामिन एज होल एंड नॉट इन पार्ट। अब सेक्शन 45 क्या कहता है, एडमिशन बाइंड द मेकर इन सो फार एज इट रिलेट टू फैक्ट, इन सो फार एज इट्स रिलेट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, बोथ ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड ऑफ लॉ, नाइदर ए नोर बी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट में हम चलते हैं, एडमिशन मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी ओरल, आइदर ओरल और इन राइटिंग। डी कह रहा है ओनली राइटिंग एंड नोट ओरल। तो एडमिशन कैसा होना चाहिए, सिर्फ राइटिंग में ही होना चाहिए, या वो सिर्फ बोल के ओरल हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, कि आप अपनी बात को ओरली भी एडमिट कर सकते हो या रिटर्न में भी कर सकते हो, या सिर्फ राइटिंग में कर सकते हो, ओरली नहीं कर सकते। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 46 का ये आंसर हमारा होगा सी, कि एडमिशन है वो आप अपनी बात को ओरली भी एडमिट कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो। एडमिशन जो होता है वो रेलिवेंट होता है, ठीक है, कहाँ पे, मे बी मेड टू ए पार्टी कनेक्टेड एंड नोट ए स्ट्रेंजर। कि आपने कहाँ पे एडमिशन किया हो, मस्ट बी मेड टू ए पार्टी, जो उससे रिलेटेड पार्टी है उससे, ना कि किसी स्ट्रेंजर से। मस्ट बी मेड टू स्ट्रेंजर, या तो आपने एडमिशन स्ट्रेंजर के आगे किया है तो वो रेलिवेंट होगा, या इट इज़ इमेटेरियल एज टू होम एडमिशन इज मेड, कि आपने एडमिशन किसके आगे किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एडमिशन इज मेड टू ए स्ट्रेंजर इज़, कि अगर स्ट्रेंजर के आगे भी करते हो वो रेलिवेंट हो जाएगा, आप किसको कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। या फिर इट इज़ इमेटेरियल टू होम द एडमिशन इज मेड, बट मस्ट बी मेड टू सम वन इंटीमेटली कनेक्टेड एंड नोट ए स्ट्रेंजर्स, ठीक है? तो इसके अंदर से हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, 47 का, इसका हमारा आंसर होगा सी, कि एडमिशन रेलिवेंट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडमिशन आपने किसको किया है।
चाहे वो स्ट्रेंजर को है तब भी वो रेलिवेंट हो जाएगा। 48 कहता है प्रोपोजिशन अंडर एविडेंस एक्ट आर स्टेटमेंट इज ए जीनस, एडमिशन इज ए स्पेसिस एंड कन्फेशन इज ए सब स्पेसिस। सेकेंड वो कह रहा है स्टेटमेंट एंड एडमिशन आर स्पेसिस एंड कन्फेशन इज ए सब स्पेसिस। थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट एंड एडमिशन आर जीनस एंड कन्फेशन इज ए स्पेसिस। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी डी, इसके अंदर से कौन सा हमारा करेक्ट होगा, इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा। फिर है 49, एडमिशन कैन बी फॉर्मल ओनली, इनफॉर्मल ओनली, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, या ओनली फॉर्मल एंड नॉट इनफॉर्मल। तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी। नेक्स्ट है एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है ऑफ द मैटर एडमिटेड, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट ऑपरेट एज ए स्टोपल, एडमिशन आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एंड आल्सो ऑपरेट एज ए स्टोपल, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो 50 का आंसर हमारा क्या होगा, बी, आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट ऑपरेटेड ऑपरेट एज ए स्टोपल। क्वेश्चन 51 क्या है, पर्सन हु कैन मेक एडमिशन आर मेंशन, कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, तो वो किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 17 में, 20 में, 19 में या 18 में। तो कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 18 के अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 52, क्वेश्चन 52 कहता है एडमिशन बाई एजेंट्स आर एडमिसिबल इन सिविल प्रोसीडिंग अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, एडमिशन इन सिविल प्रोसीडिंग ओनली इफ द एजेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एडमिशन, नेवर एडमिशन इज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या डी वो है वो कहता है कि बी और सी दोनों ही आपके सही हैं। तो इसका आंसर डी होगा आपका। 53 क्वेश्चन कहता है एडमिशन मेड बाई पार्टी आर एविडेंस अगेंस्ट, प्रेविज इन ब्लड, प्रेविज इन लॉ, प्रेविज इन स्टेट, या ऑल द अबव। तो सेक्शन 53 का आंसर क्या है हमारा, सी। 54 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो एविडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन, कौन सा अगर हम बात एडमिट करते हैं एविडेंस नहीं होगी, एन एडमिशन बाई वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट ने शूट अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट, कि एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर कोई बात एडमिट कर रहा है, एन एडमिशन बाई गार्जियन एट द रिटेम अगेंस्ट ए माइनर, एन एडमिशन बाई वन ऑफ द पार्टीज ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ अदर पर्सन ओनली ए एंड बी। तो 54 का आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी, कि अगर मान लो आपने एडमिशन किया भाई वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट इज सूट अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट, तो वो क्या होगा, वो एडमिशेबल नहीं होगा, या अन एडमिशन बाई ए गार्जियन एट लिटम अगेंस्ट माइनर। सेक्शन 55 क्वेश्चन 55 कहता है व्हेन द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टी टू ए सूट डिपेंड अपॉन द लायबिलिटी ऑफ ए स्ट्रेंजर टू ए सूट, देन एडमिशन बाई स्ट्रेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज लायबिलिटी शैल बी एन ओमिशन टू पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज पार्टी टू ए सूट इट हैज़ बीन सो प्रोवाइडेड। ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया है हमारा, सेक्शन 1 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में या 17 के अंदर। तो ये हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन 19 के अंदर एविडेंस एक्ट। अब क्वेश्चन 56 क्या कहते हैं, इन रेफरेंस मेड ओवर ए डिस्प्यूटेड मैटर टू ए थर्ड पर्सन, इन रेफरेंस मेड ओवर ए डिस्प्यूटेड मैटर टू ए थर्ड पर्सन, द डिक्लेरेशन वो मेड बाई दैट पर्सन, मान लो थर्ड पर्सन ने वो डिक्लेरेशन की, शैल बी एन एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग द रेफरेंस, जिस पार्टी ने उसको रेफरेंस की थर्ड पर्सन को, तो वो क्या होगी, एविडेंस होगी बाई वर्च्यू ऑफ कौन से सेक्शन के हिसाब से वो उनके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, सेक्शन 20 के हिसाब से। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर आएगा सी। तो आज के लिए हम यही क्वेश्चन ध्यान देते हैं 56 तक, ये हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप 15-15 क्वेश्चन करके जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, तो ये आपके माइंड में भी बैठ जाएंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे जुडिशरी के लिए और किसी लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।